आइए एक बार फिर से हम सभी लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड परीक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स बराबर वन अपान एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और एक्स बराबर तीन पर यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो हमें बताना है जब एक्स बराबर पाँच होगा तो वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम सभी जानते हैं कि अगर किसी वैल्यू हमको किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। आइए इस इक्वेशन को हम देखते हैं लिख करके। इक्वेशन है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कंपेयर कराएंगे। हम सबसे पहले इसकी कंपेयर कराएंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, या आप इसको डायरेक्ट भी पी वाई बराबर क्यों, इससे हम क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। जब हम इससे कंपेयर कराएंगे तो हमको मिलेगा P बराबर, Y से Y कंपेयर करी तो P बराबर कितना आ गया, एक बटे में X। Q की अगर हम कंपेयर करेंगे तो Q तो हमको साफ साफ दिख रहा है वन अपान X स्क्वायर log। ये हमारे पास हो गया P और Q की क्या हो गई, वैल्यू। जैसे ही हम P और Q की वैल्यू को निकाल लेते हैं तुरंत हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। हम तुरंत क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, तुरंत हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। जो भी हमारे पास पी की वैल्यू आई है उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में सॉल्व करेंगे। तो आइए ई इंटीग्रेशन पी की वैल्यू वन अपान एक्स है तो वन अपान एक्स डी एक्स, वन अपान एक्स डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो होता है लॉग एक्स ई की पावर लॉग। अब ई की पावर लॉग एक्स है, लॉग और ई की वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो कितना आएगा, एक्स। स्टेप मार्किंग में अगर हम यहाँ तक भी करते हैं तो भी हमको क्वेश्चन के बहुत अच्छे नंबर हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखिए, अब हम फॉर सॉल्यूशन ऑफ, अब हम इक्वेशन के हल करने के लिए, इक्वेशन के जो सोल्यूशन है उसके लिए अगर हम लगाएंगे तो हमको फार्मूला लगाना होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमको अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले हम उसकी कंपेयर यहाँ से कराएंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, और जैसे ही हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे तुरंत हम उसको ये वाले फार्मूले में पुटअप करेंगे, q इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स, q इंटू आई एफ डी एक्स, और प्लस में हम क्या कर देंगे, c लगा देंगे। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास यहाँ पर कितना आया है, x आया हुआ है, y की वैल्यू हमको यहाँ पर पता है, आई एफ की वैल्यू भी हमको यहाँ पर पता है, और q की वैल्यू भी हमको यहाँ पर पता है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, y, आई एफ हमारा कितना है x, q हमारा कितना है x स्क्वायर log x वन अपान x स्क्वायर log x, आई एफ हमारा कितना है x डी एक्स प्लस में, x से x की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्स बराबर इंटीग्रेशन वन अपान x log x
डी एक्स प्लस, आप देखें एक्स लॉग एक्स डी एक्स जो हमारा है इसका इंटीग्रेशन अगर हमको करना है तो हम एक चीज़ को जानते हैं, अगर लॉग लॉग एक्स का हमको डिफरेंशिएशन निकालना होता है, लॉग लॉग एक्स का हमको क्या निकालना होता है, डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स होता है, तो लॉग एक्स का वन अपान लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन अपान एक्स। ठीक, हम इस बात को जानते हैं कि अगर हमको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, वो स्क्रीन के बाहर हो गया था, चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप, लॉग लॉग एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स और फिर लॉग एक्स का भी कितना होगा वन अपान एक्स। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि अगर वन अपान एक्स इंटू लॉग एक्स है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग लॉग एक्स हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं वाई वाई एक्स बराबर वन अपान एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन लॉग लॉग एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी, प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कह रहा था जब एक्स बराबर तीन है तो वाई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू को तीन और वाई की वैल्यू को क्या पुट कर दें, ज़ीरो पुट कर दें, जिससे हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स बराबर में थ्री पुट करें, थ्री वाई बराबर ज़ीरो पुट करें, लॉग लॉग थ्री प्लस ये ज़ीरो हो जाएगा, लॉग लॉग थ्री प्लस सी, तो सी की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, माइनस लॉग लॉग सी की वैल्यू जैसे ही हम निकाल लेंगे तुरंत हम इस इक्वेशन में, यहाँ वाली इक्वेशन में वापस से सी की वैल्यू को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे और एक्स की वैल्यू यहाँ कहाँ है, एक्स बराबर पाँच पर वाई कितना होगा, तो हम वापस उस इक्वेशन को पुटअप करेंगे। आइए देखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ सी, हमें सी की वैल्यू को क्या करना है, रखना है। आइए देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन ये है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, और x का मान हमको कितना रखना है, पाँच रखना है, तो y इंटू फाइव वन अपान एक्स की जगह फाइव लॉग फाइव। अगर आप ये क्वेश्चन भी नहीं लेते हैं, डायरेक्ट ये लेते हैं तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी ले लीजिए, पहले काम कीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं, जल्दी से नोट कर लें। चल अब क्या करते हैं हम कि हम यहाँ पर y इंटू फाइव है, वैल्यू c की पुटअप करनी है यहाँ पे, तो इसको हम पुटअप ऐसे कर देते हैं, लिख देते हैं log 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 x और c की वैल्यू है माइनस log log 3 माइनस log log 3। अब देखें log m माइनस log n, log m माइनस log n ये हमारा हो जाएगा log m अपान n। ठीक है, और चूंकि x की वैल्यू हमने कितनी रखी हुई है, 5 रखी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, 5 कर दें, 5y, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपान 5 log log 5 अपान log 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए।